कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होगी होली सेलिब्रेशन के ऊपर होगी। हमारे किन्नौर में होली किस तरीके से मनाया जाता है, बहुत छोटा सा गांव है और लोग भी बहुत कम है, तो बस फिर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। और साथ ही साथ हमारे गाँव में आजकल जो हमारे बुद्धिस्ट धर्म में धार्मिक पोथियाँ होते हैं वो पढ़ा जा रहा है, और हम गाँव में घुमाएंगे वो, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे मैं भी तो लगाओ। हाँ मैं भी लगाऊंगी, रुको एक बार। हैप्पी होली, हैप्पी होली बने। हैप्पी होली, चलो लगाओ हैप्पी होली। मैं एंड में लगाऊंगी, चलो हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो गाइज हमारे पहाड़ों की होली कुछ इस तरीके से होती है। हम लोग किन्नौर में सब जगह घर घर में जाते हैं, पहाड़ों में इस तरीके से ही मनाया जाता है। तो ये नानी के घर में आए हैं, तो यहाँ पर हम होली डालेंगे, तो सारे इकट्ठे होते होते सब घरों में जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारी होली रहती है यहाँ पर। तो गाइस होली वाले अब हमारे घर में आ रहे हैं, तो मैं उन्हें एप्पल दूंगी और होली खेलेंगे हम। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना सारे, ये सेब ले लो, ले लो। गाइज हम बहुत ज्यादा थक गए हैं अब घूम घूम कर, तो यहाँ से पूरे लोग आ रहे हैं चलते हुए, तो तकरीबन हमने काफी घर कवर कर दिया है ना। यस यस, तो मतलब हर घर में कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा है, और पैसे अलग से, पैसे अलग से मिल रहे हैं, भी बहुत आ रहे हैं हमें। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। उतर नहीं पड़ेगा गाड़ी से, उतर नहीं पड़ेगा। हैप्पी होली, होली होली, ये लो। तो गाइस यहाँ देखिए हमारा गांव ऊपर से कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी हमने यहाँ स्कूल में जाना है, यहाँ पर हम अच्छे से डांस करेंगे सारे लोग इकट्ठे होकर, और यहाँ देखिए अभी लोग एंजॉय ही कर रहे हैं इधर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्कूल, और स्कूल में हम सारे इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर हम डीजे वगैरह लगाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो इस तरीके से एंजॉय करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डांस हो रहा है। तो
गाइस आज हमारे पुराने झंडे को निकाल के नया झंडा लगाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। है चुल्ली है सब मिला करके। अच्छा, जितना भी यहाँ पे वैरायटी है पेड़ों का, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंगूर के बेल भी ले आए हैं और ये चिलगोजा की टेनिया। अपर किन्नौर में ज़्यादा पाया जाता है, ये होता तो है यहाँ भी बहुत हाइट में होता है लेकिन अपर किन्नौर में सामग्री लगाया जा रहा है। अच्छा, तो हम लोग झंडा क्यों लगाते हैं तिते? झंडा तो हमारे जैसा घर में लूटा बगड़े सारे अच्छा होने के लिए पाप पूप सारे या झंडा का हवा से। अच्छा, जहाँ भी जाएगा ना हमने से अच्छा किया हुआ है। अच्छा, उसमें पाप पूप सारे कर जाता घर में बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, इसलिए हम लोग सब झंडा लगाते हैं। सब झंडा लगाते हैं, फिर पड़का भूखा हमारे ऊँचा कम होगा तो इसको ऊपर ऊँचा हो जाते है। अच्छा ठीक है, अभी आप क्या करेंगे यहाँ पर? अब मैं पूजा करूँगा ना, सजम लगाऊंगा। अच्छा, करेंगे। अच्छा ठीक है, तो गाइस जब लामा तेते पूजा करके उठेंगे तो उन्हें ये सत्तू खेलना पड़ता है जैसे हम होली खेलते हैं, बस उनको सत्तू लगाऊंगी मैं और जितने यहाँ पे मॉन्क्स हैं उनको भी सत्तू लगाऊंगी मैं। बड़ा मज़ा आता है ये खेलने के लिए, पहले पहले बचपन में तो हम बहुत खेलते थे, अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया है ये सब कुछ खेलना, पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो पूजा कब ख़त्म होगी। गाइज अब जो कि हमारे जो पोथियां हैं उनको पूरे गांव में घुमाया जाएगा, तो बस उसी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर, तो आपको भी ले चलती हूँ। चलिए, मोनेस्ट्री से आ रहे हैं और मैं यहाँ पर क्वारंग निकाल रही हूँ, ऐसे जिन जिन घरों से हम होते जाएंगे इस तरीके से वो भी निकालते जाएंगे। जीवा चलो से उसी जय जीवा चलो से राजे जीवा।
गांव से चल के आए, बहुत थक गए, पसीना पसीना से पूरा हो गया। पानी पानी पीने को पानी भी नहीं मिला। लामा जी भी थक गए, क्या करना बेचारे लामा जी भी। लामा जी थके कि नहीं थके? नमस्ते। आज मैं यहाँ पे वो हम लोग यूं पोती पड़ा था गांव में, और यूं पोते आज फाइनल हो गया, और आज हम लोग पूरा घरों में गांव में घुमाने आया, और इसलिए घुमाते कि आज सभी के लिए शांति के लिए और बगीचों में फल फल के लिए सबके लिए बहुत अच्छे है, और पूरा गांव में घूम रहा हूँ। आज फाइनल है, फिर अभी हम लोग पहुँचे ऊपर धार में पहुँच गया, अब थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाला है लागामी दोपहर पहुँचेंगे। तो गाइस गांव हमारा देखिए कितना नीचे है, और हम अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई चलते हुए, बाकी लोग भी चले हुए हैं। देखिए अभी हमें उस पहाड़ी के पीछे जाना है, बिल्कुल वो वाली जो पहाड़ी है उस हरा वाला। गाइस अभी हम तालंगपी पहुंच चुके हैं, और तालंगपी तो आप लोगों को पता ही है कितना खूबसूरत है। तो हमारी हालत हो चुकी है ख़राब, अभी भी हम तालंगपी से नीचे आए हुए हैं, अब गांव की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत थके हुए हैं। यहाँ पर लोग देखिए मूँगफलियाँ दे रहे हैं, हेलो तो करो आप लोग भी पीछे से। हाँ मूँगफली खिला रहे हैं आप। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे मोनेस्ट्री में, गांव वाले मोनेस्ट्री में, तो अब सब साथ जा रहे हैं, और अब जाके हम लंच करेंगे यहां पर। जो ऑलरेडी गांव की लेडीज़ थी उन्होंने लंच तैयार किया हुआ है, तो अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, तो हम 4 बजे खा लेंगे। आ जाइए आप लोग। लोगों ने यहाँ पर लाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे पूरियाँ बनाई हुई है, और बिस्किट टॉफी मूँगफली छुआरे, तो अब ये सबके घरों में जाएगा, अभी अब पैक कर रहे हैं सब चीज़ें। आप लोगों ने देखा कि हम होली किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कि सभी घरों में जाते हैं और रंग लगाते हैं, तो इस तरीके से हर साल सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि जो किन्नौर की जो फेमस होली है वो सांगला में मनाई जाती है, लेकिन थोड़ा से अपने रीजंस की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाई, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पर। और आप लोगों ने देखा कि गाँव में हम अपने वो धार्मिक ग्रंथ घुमा रहे थे पोथियों को, तो जैसे कि लामा जी ने कहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है वो, सुख शांति के लिए फल फ्रूट अच्छा हो, सबका मतलब सुख समृद्धि बना रहे सबका, तो इस तरीके से रहता है। और नया झंडे लग रहे हैं, बस यही सब चल रहा है गांव में। और आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।